नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रही हैं फिल्मी बीट। वेल, जैसा कि आप जानते हैं कि दया बेन एक बेहतरीन कैरेक्टर रहा है। दया बेन सबके दिल के करीब रही हैं। तो अब सपना चौधरी ने दया बेन की नकल की है। सपना चौधरी तारक मेहता का उल्टा चश्मा के किरदार दया बेन की एक्टिंग करती नजर आई। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा इन दिनों कई वजहों से सुर्खियों में बना हुआ है। सोनू का किरदार निभाने वाली निधि भानुशाली ने शो छोड़ दिया है, वहीं दया बेन के भी शो छोड़ने की खबरें छाई हुई हैं। अब डांसर सपना चौधरी तारक मेहता के उल्टा चश्मा की दया बेन का रोल करती नजर आई। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि वो शो में दिशा वकानी की जगह नजर आएंगी, तो ऐसा नहीं है। दरअसल सपना चौधरी का एक टिकटॉक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो दया बेन का किरदार निभाती नजर आ रही हैं। वीडियो में वो दया बेन की एक्टिंग कर रही हैं, उनके डायलॉग बोल रही हैं। वीडियो काफी फनी है। डांसर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है, लोग उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ कर रहे हैं। वहीं पर एक यूजर ने लिखा है, सपना एक ऐसा नाम है जो किसी भी किरदार में ढल सकती है। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है कि सपना ये आपका बेस्ट बेस्ट वीडियो है। बता दें कि सपना ने फिल्म दोस्ती के साइड इफेक्ट से बॉलीवुड में डेब्यू किया है। उनकी फिल्म 8 फरवरी को रिलीज हुई है। सपना जबरदस्त डांसर और सिंगर है। उन्होंने भोजपुरी, हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी सिनेमा में कई आइटम सॉन्ग कर चुकी है। बिग बॉस से उन्हें पॉपुलैरिटी मिली। इस शो के बाद उनका मेकओवर देखने को मिला। वहीं अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बात करें, तो दया बेन का किरदार निभा रही दिशा वकानी के शो में रहने को लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। लंबे समय से वो शो से गायब है। बीच में खबरें आई थी कि वो शो का हिस्सा नहीं होंगी। 2017 में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया, जिसके बाद उन्होंने लंबा ब्रेक लिया, लेकिन अभी तक वो शो में वापस नहीं आई। उनके शो छोड़ने की भी खबरें जोरों पर हैं। वेल, आपको बता दें, दया बेन एक ऐसा कैरेक्टर है जो सभी के दिलों में बसा हुआ है। तो वहीं सपना चौधरी एक ऐसी डांसर है जो सभी की फेवरेट हो चुकी है। तो ऐसे में दया बेन और सपना चौधरी का ये कॉम्बिनेशन यकीनन सभी को बेहद पसंद आ रहा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।